इस बार का कैसा आ रहा है यार इनका? ये क्या अबे तुम्हारा स्टूडियो है कि क्या है रे? साइबर कैफे में बैठ के डेवलप कर रहे सारी चीजें, सबको पता है। तो सबसे पहली चीज मुझे बात करनी है, बहुत जबरदस्त विंचेस्टर के अंदर लगने वाला है 2.7x स्कोप। ओ भेड़ी, मजा आ जाएगा। बैम बूम ब्रीम दोस्तों, कैसे हो? क्या पोजीशन है? बहुत बहुत महाफाड़ू महा खतरू पॉन्डिचेरी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछली बार मैं ऐसा तब हंसा था जब मेरा PS4 Pro खराब हो गया था, तो मैंने सोचा कि पागलपन करने से अच्छा है कि क्यों ना हंस के ढीली कर दी जाए टेंशन। और आज मैं एक बार फिर से हंसना चाहता हूँ। तो इस बार भी मैंने सोचा है कि पागलपन करने से अच्छा है हंस के ढीली कर दो, तो मैंने हंस के ढीली कर दिए हैं। और बोलो यार, इस बार क्या खराब हो गया है? स्ट्रीमिंग पीसी। तो यस, पहले PlayStation 4 Pro 1 TB खराब हुआ, वो आउट ऑफ वारंटी था, 2 कौड़ी नहीं मिलेगी उसमें, उल्टा लगानी पड़ेंगी 50 कौड़ी। और अब स्ट्रीमिंग पीसी खराब हुआ है, मेनली मुझे लग रहा है कि पावर सप्लाई उड़ी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ इसलिए उड़ी हैं, PS4 Pro और स्ट्रीमिंग पीसी, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से। काफ़ी सारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता रहता है दिन भर इसकी वजह से। और ठीक है, मेनली ऐसा मुझे लग रहा है कि पावर सप्लाई जब भी ख़राब होती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, तो वो जो वोल्टेज हाई हो जाता है तो वो उसको आगे कंपोनेंट्स तक नहीं जाने देती। तो 99.99% मैं श्योर हूँ कि मेरा मदरबोर्ड सुरक्षित होगा, उसकी लेन्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई होंगी, ग्राफिक कार्ड को कोई इशू नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि इंटरनली प्रॉब्लम अगर होती है तो वो आपको दिखेंगी नहीं आगे ऊपर आँखों से, ठीक है। और इंटरनेट के कहने ही क्या, अब मैं लीज लाइन है नहीं मेरे पास, मैं नॉर्मल ब्रॉडबैंड पे हूँ, और अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, आए दिन फाइबर कट होते रहते हैं, बंद पड़ी रहती हैं लाइनें 1-2 दिन तक। लास्ट टाइम जो मैंने COD बैटल रॉयल का वीडियो डाला था, और उसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें शायद 2 से 3 दिन का गैप था, उस पूरे गैप के दौरान इंटरनेट बंद था, बंद, टोटली बंद। तो ठीक है, लगे हुए। ओके, आज हम बात करने वाले हैं पबजी का सीजन नया वाला आने वाला है, सीजन 5, और टेस्ट सर्वर में एक्चुअली अवेलेबल है वो, तो अभी हम उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ अगर किसी चीज के लिए इस नए सीजन में पबजी के अंदर। hey, पबजी बोलो तो मतलब पबजी, अगर पबजी मोबाइल बोलना है तो मैं पबजी मोबाइल बोलूंगा, अगर पबजी लाइट पीसी बोलना है तो मैं पबजी लाइट पीसी बोलूंगा, अगर इम्यूलेटर बोलना है तो मैं इम्यूलेटर बोलूंगा, पर पबजी माने ओरिजिनल पबजी। तो हाँ, विंचेस्टर 94 के अंदर अब आने वाला है स्कोप 2.7x। आय हाय, जबरदस्त यार, मजा आ गया, मैं वेट नहीं कर सकता इस गन से खेलने के लिए, पर बहुत ज्यादा रिस्की है,
अगर आपको ट्रोलिंग करते हुए खेलना है तो खेलो इस वेपन के साथ में। लास्ट टॉप 10 में उतना खास ये वेपन नहीं होगा, पर हाँ मुश्किल थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, और पता नहीं खेल के देखेंगे यार। मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट है इस वेपन से खेलने के लिए, मैं वेट नहीं कर सकता। काफ़ी लोगों का सोचना समझना है कि इंडियन सर्वर्स आने वाले हैं पबजी के अंदर, और अगर आने वाले हैं इसकी तो बहुत खुशी होनी चाहिए। साथ साथ डे वन से जो राक्षस उसके अंदर कूदने वाले हैं उसका भी हमें शोक मनाना चाहिए साथ ही साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ रही बॉस। वेट, अब कुछ भी चीज़ आपको शेयर करनी है अपने टीममेट के साथ में तो आप फेक कर शेयर कर सकते हो बॉस। जी हाँ, फेंक कर शेयर कर सकते हो। जैसे ये बंदा आप देख रहे हो मेड किट फेंक रहा है, उसी तरह से आप फेंक कर शेयर कर सकते हो। और साथ साथ आप मेली वेपन्स भी थ्रो कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे पड़ा, वो तो कहीं और कमर में जाके लगा। मैं होता तो सीधे हेड पे लगता, एकदम ती दोनों आंखों के बीच में पड़ाक करके तीसरी आंख खुल जाती उसकी वहीं पे। तो ये जबरदस्त, जाबर जबरदस्त है, ये बहुत ही जबरदस्त गेम प्ले फीचर जो उसमें ऐड होता हुआ। मैं आपको बताऊं, अभी तक एक बात साफ है कि आप इससे पैन भी फेंक सकते हो, और अगर आपको इससे बचना है तो आपको स्ट्रेफ करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट स्ट्रेफ करो, डिपेंड करता है कि आप किसने कितनी पिंक फेफे कितने कितनी पिंक फे फेंका है, और डीसिंग तो उसमें होते रहते हैं, तो हो सकता है कई बार आपको शॉट्स नहीं भी लगना हो तो लग जाए डीसिंग की वजह से। पर ये फीचर मुझे काफ़ी सही लगा। पैन की जहाँ तक बात करें, पैन की जो रेंज है वो है 30 मीटर तक। 15 मीटर तक जो डैमेज है पैन का वो मैक्सिमम रहने वाला है, 15 से 30 मीटर तक फिर ड्रॉप ऑफ शुरू होगा पैन का। इसमें बुलेट का डैमेज ड्रॉप ऑफ नहीं है, केवल मैं बात कर रहा हूँ पैन की, और जो मेली वेपन से जिनको आप थ्रो कर सकते हो, तो 15 से 30 मीटर तक डैमेज ड्रॉप ऑफ स्टार्ट होगा। जैसे मान लो 15 मीटर तक फुल डैमेज कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए अगर 90, तो 15 मीटर से फिर 30 मीटर तक 85, 80, 75, 70 ऐसा होता चला जाएगा। तो ऐसा है। और पैन अगर आपने किसी बंदे पे मारा, उसने हेलमेट नहीं पहना है, तो आपको श्योर किल मिलने वाली है या नॉक आउट मिलने वाला है, डिपेंडिंग किस सिनेरियो में आप खेल रहे हो। मजा आ गई। और मिरामार में काफी अपडेट्स दी गई हैं, काफी सारे ट्रैक्स ऐड किए गए हैं। पता नहीं ये किन लोगों के लिए ये चीज उन लोगों ने दी है, मुझे आइडिया नहीं। शायद कि नए प्लेयर्स आए और उसमें ट्रोलिंग करें मैप्स के अंदर आके तो प्लेयर बेस बढ़े, शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये अपडेट दी है। मुझे इसका पॉइंट समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या मतलब है इसका, क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा फास्ट ट्रेवर्स कर सकते हो क्योंकि आपके पास बाइक रहने वाली है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि हाँ बीच में आपको एक रैंप मिला और आप ब्लू जोन में हो, आपको जाना है वाइट जोन में, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में ये रैंप आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो उबड़ खाबड़ जगह है तो आपकी बाइक वहाँ पे फिसल जाए, कुछ हो जाए, पर रैंप होगा तो आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, थ्रोएबल थ्रोएबल हेल्थ एंड एमो लिखा हुआ है यहाँ पे, रेडी टू क्या रिप्लाई टू अ टीममेट्स रेडियो बाय फ्लिंगिंग 30 राउंड्स ऑफ एमो और अ फर्स्ट एड किट विद द प्रेस ऑफ अ बटन, नॉट और रीलोडिंग टीममेट्स एंड कैच एनीथिंग, सो रेंज एंड टाइमिंग आर की। ओके, जो बंदा रीलोड कर रहा है उसको आप फेंकोगे तो वो कैच नहीं करेगा, और जो बंदा नॉक्ड आउट है वो भी कैच नहीं करेगा। तो इसमें थोड़ी सी स्किल है, तो रीलोड कंप्लीट करने के बाद ही मेक श्योर कि आपकी तरफ एमओ फेंका गया है, और आप तभी कैच कैप कैपच 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 और आप तभी कैच कर पाओगे, ऐसा है। पबजी मोबाइल में सुना डीगल और लेज ग्रैब सिस्टम पबजी मोबाइल में भी आने वाला है, तो जैसे ही वो आएगा, पता नहीं शायद आ गया क्या। पता नहीं आ गया तो मैं ट्राई करूंगा, पता नहीं आप लोग मुझे बताना आया क्या पबजी मोबाइल में वो चीज़, ट्राई करूंगा ज़रूर से ज़रूर मैं। ओके, तो ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये भी आने वाली है यार, ये कहीं दुनिया में लूट में मिलने वाली है क्या, पता नहीं। पर इसका यूसेज हम कितना निकाल पाएंगे, मतलब आपको ट्रैप ऐसी जगह प्लेस करना होगा जहाँ आपको पता है कि हाँ यहीं से गाड़ी आने वाली है, ऐसा सिनेरियो कितनी बार बैठेगा मुझे पता नहीं। पर अब आगे बढ़ते हैं और मैं एक चीज़ आपको बता पाया यहाँ पे। अब दुनिया के बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा ऐसा, क्या ऐसा इसका, आप यहाँ पर रीलोड एनिमेशन देखना, इतना घटिया रीलोड एनिमेशन तो मोबाइल गेम में भी नहीं होता है। मोबाइल गेम में रीलोड एनिमेशन अच्छे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए COD, क्या
क्या गंदा रीलोड किया उस बंदे ने, उंगला उंगली कोहनी सब मोड़ मारी पता नहीं कैसे, मतलब इतना घटिया एनिमेशन कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। काफ़ी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं और काफ़ी लोग बड़े बड़े लोग ये बोल रहे हैं कि यार ये लोग इनका एनिमेशन इतना घटिया क्यों है पबजी वालों का। मुझे पता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी नए गेम पे काम कर रहे हैं इसलिए उनका एनिमेशन घटिया है, और इतना पैसा इन लोगों ने कमा लिया हजारों करोड़ करोड़ करोड़, तो अभी तक ये एनिमेशन ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक अच्छा सा एनिमेशन वाला डेवलपर क्यों हायर नहीं कर पा रहे ये लोग? ये मेरे स्पेकुलेशन है, हो सकता है कि PlayStation 5 पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है नए एक्सबॉक्स में और PlayStation 5 में, प्लस PC तो है ही, इतना बड़ा मार्केट और पबजी का क्रेज, हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक बार फिर से नया एडिशन PUBG 2 खेलने मिल जाए। इतना तो मैं श्योर हूँ कि अंडर द डेवलपमेंट है नया वाला PUBG के, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं क्या है इस नए सीजन पास में फटाफट। ये मिशन आपको मिल रही है, प्रीव्यू देख लेते हैं क्या हाल चाल है इधर। थर्मोकॉल की बनी हुई है और ये स्किन सेट टी शर्ट वाला, क्यू भी यू सोना चांदी वाली, खतरनाक डिजाइन, थोड़ा सा क्लोज करके देखना होगा ऐसे। वाह यार वाह, गोली निकलती है अंदर से। ओ भाई ये तो पोली है अंदर से, पोली भाई, गोली कहाँ से निकलेगी इसमें से? ये पैंट अंडरवेयर के नीचे पहने जाने वाली पैंट, ये बैकपैक सीओडी से इंस्पायर लग रहा है पता नहीं। ये हेलमेट तो क्या है यार, खतर ही नाक अच्छा लगा। ये बैरल पर नजर डालें थोड़ी सी जूम करके, भैंड ही देखें बैरल असली की नकली। ओ भाई बैरल, हाँ बैरल थोड़ी सी असली लग रही है। बैरल असली लग रही है, गोली निकलेगी इसमें से, पोली नहीं अंदर से। ये लेवल 2 का बैकपैक, ठीक है ये इतने खच्चर एनिमेशन भाई, ये तो एक स्टूडियो में बंदा कोई भी 15 मिनट के 2 मिनट में बना ले। ठीक है ये देखते हैं कैसी लग रही है पेरिन सी। मजा आ गया, जबरदस्त खटिया स्किन है ये। UMP गर्ल पिंक, हाँ ये हो गई ना बात, QBU नहीं है ये है आपकी Mini 14। देखें ये पोली तो नहीं अंदर से ये भी पोली अंदर से भाई, बैरल के पीछे का मामला सब बंद है तो निकलती कहाँ से गोली? पता नहीं कहाँ से निकलती है। ठीक है चलो ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छा सा जैकेट, और आय हाय हाय ये हुई ना सनफ्लावर जीन्स। मैं सच कहूँ तो स्किन्स देख के भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये सीजन पास कुछ खास वर्थ है। हाँ ये देखो यार, इसको देख के लग रहा है कि हाँ कुछ है बात। वैसे बाय द वे सब मेली वेपन्स इनको आप थ्रो कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सारे मेली वेपन्स आप फेंक के मार सकते हो। अच्छा है प्रीव्यू हो जाए लालाई P1911, क्या बात नहीं है, क्या बात नहीं है। होय 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 M24 फैंडी, ये हुई ना बात M2 भी। ओ भाई M24 तो पूरी पोली है, बंद है पूरी, बंद है तो मजा आएगी। क्या बात क्या बात, किस एंगल से अच्छी लग रही है देखना होगा, ये अच्छी लग रही है यहाँ से भी। AK बॉस, AK यही तो बात है, यही तो गेम है। ओए होए होए होए, चमकती हुई है कि क्या लग रही है बॉस, आ गया मजा, ये हुई ना बात, मजा आ गया बॉस देखकर। ग्रोजा के चाचा भैंडी, ये देखो ना ये हुई बात, सोने चांदी वाली ग्रोजा। हाय 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 मजा आ गया, ये पोली है क्या? अरे यार ये भी पोली है कुछ ही नहीं अंदर। अरे यार तो यही था, और कुछ चेंजेस आए हैं सर्वर वाले कि पहले ऐसा था कि आप जिस रीजन के हो वहाँ नहीं, जहाँ पे आपकी कम पिंग आएगी आप वहाँ खेलोगे। तो एग्जांपल के लिए अगर आपकी एशिया में पिंग ज़्यादा है यूरोप में कम हो तो आप यूरोपियन सर्वर्स पे जाते हो खेलने के लिए। लास्ट टाइम ऐसा होता था, मतलब अभी भी पबजी में ऐसा ही हो रहा है, पर जैसे ही 23 अक्टूबर को ये पैच या फिर ये सीज़न साथ में आएगा दोनों, उसके बाद से ऐसा होने लगेगा कि आप जिस रीजन के हो आप वहीं पे खेलोगे। एग्जाम्पल के लिए कि हांगकांग में सर्वर है तो जितने भी चिंकड़ हैं वो हांगकांग के सर्वर में खेलेंगे, तो वाओ साई ऑफ रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें हैकर्स
उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि मोस्टली चिंकर लौंडे या फिर मोस्टली हैकर्स VPN लगा के खेलते हैं, तो वो कहीं पे भी जंप इन कर सकते हैं, सिंगापुर, यूरोप, अमेरिका। फिर अगर इंडियन सर्वर्स आते हैं पबजी में तो वो यहाँ भी जंप करके आ जाएंगे, क्योंकि हांगकॉन्ग सिंगापुर के बाद में उन्हें यहीं पे सबसे कम पिंग आने वाली बहुत है। बहुत थैंक यू दोस्तों आज आपका ये वीडियो देखने के लिए, और अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो कि गेमिंग पसंद करते हैं। अगर आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यार फटाफट। ठीक है, मैं चलता हूँ, भारत माता की जय, बैम बूम ब्रीम, आज्ञा दीजिए मुझे, आप सभी को प्रणाम कर दूंगा मैं, थकुआ।